तो ये रिसेंट फाइनली आप लोग एग्जाम देके आ चुके हैं। देखिए आप लोग इस तरह का पेपर दिए हुए थे, सेट वन में आपको इस तरह कर दे। देखिए साइंस का पेपर है आपका, आज के डेट में एग्जाम हुई है। देखिए क्वेश्चन आपको दो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया हुआ है। ये साइंस है आपका, 2 घंटे टाइम दिए हुए थे और कितने 40 मार्क्स के हैं। इस तरह क्वेश्चन दिए हुए थे आपका। देखिए एक आपका हिंदी में फॉर्मेट है और दूसरे साइड में आपको क्या दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है। इस तरह का देखिए क्वेश्चन सेक्शन ए में क्वेश्चन दिए हुए थे 2 मार्क्स का, है ना। ए आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। इसमें और ऑप्शन दिया हुआ था। उसके बाद आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से दिया हुआ था, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद ये 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ था बायोलॉजी से। देखिए क्वेश्चन देख सकते हैं कितना है, 4th नंबर। 4th का ये 2 ऑप्शन दिया हुआ था, इसको बनाना था चाहे इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको बायोलॉजी से ही दिया हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन बायोलॉजी से ही दिए हुए हैं, इसमें से ये बनाना है क्वेश्चन, या तो आपको ये क्वेश्चन बनाना था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ से आपका 7 नंबर क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑर्गन, ये भी बायोलॉजी से दिए हुए थे क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन बी में आपको इस तरह क्वेश्चन दिया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ह्यूमन मेडिकल सिस्टम से क्वेश्चन दिया हुआ था। उसके बाद स्टेट वीज है, रीजन वाई, ये सभी रीजन बता रहा है कि रीजन क्या है इसका, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है। उसके बाद और इससे ये बना गया था, ये आप क्वेश्चन को बना सकते थे, ठीक है। 9 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत जल्दी ही आपको मिल जाएगा, हमारे चैनल पे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए आपका ये सोलेनोइड से क्वेश्चन दिया हुआ था। उसके बाद ये आपका इसी से मैग्नेटिक इफेक्ट से क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। कॉइल 1 पर ये आपका NCERT में क्वेश्चन हुआ, वो क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 का ही भी और या वो बना सकते थे, ये बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 13 नंबर फिर बायोलॉजी से क्वेश्चन दे दिया, मेंडल एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद सेक्शन सी में आपको 14 नंबर केस बेस्ड स्टडी पे एक क्वेश्चन दिया हुआ था, न्यूमेरिकल दिया हुआ था फिजिक्स से, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए हुए थे, इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना था, या तो डिटरमाइन द करंट थ्रू, इसको में फर्स्ट या सेकंड में ऑप्शन दिया हुआ था, ये और भी बनाना था, सी में फर्स्ट और सेकंड बनाना था क्वेश्चन को। उसके बाद एक और केस स्टडी क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 नंबर देखिए ये है, ठीक है। तो इस तरह के आपका ये पेपर सेट 1 का पेपर इस तरह दिया हुआ था, और सेट 2 में भी आपको देख सकते हैं क्वेश्चन, सेट 2 में भी हूबहू क्वेश्चन दिए थे, कुछ कुछ क्वेश्चन बस एक आध दो क्वेश्चन डिफरेंस लगे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये भी क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन सेम सेट 3 में भी पूछा, सेट 1 में पूछा गया था, लेकिन सेट 2 में भी पूछा गया है, ठीक है, सेट 2 में भी पूछा गया, ठीक है। इसमें आपको एक क्वेश्चन जो है कि अलग दिया हुआ, देखिए सेट या 5, ये 5 नंबर क्वेश्चन जो कि अलग दिया हुआ है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बेंजीन एथेन का अलग दिया हुआ है, बाकी करीब करीब सारे क्वेश्चन आपको सेम है। एक क्वेश्चन ये आपका अलग दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपका सेम ही दिया हुआ है, फिजिक्स का भी क्वेश्चन सेम दिया है क्योंकि वो भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। तो उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको करीब करीब सेम ही दिए हुए हैं हर एक सेट में, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन का डिफरेंस है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको सेम है, लेकिन केस बेस्ड स्टडी में भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन में भी वही दे रहा है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन देख लें, इसका जल्दी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, ठीक है। इस सब दिखाने का मतलब है कि जो भी स्टूडेंट देख देखें कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछने पूछ रहा है, ठीक है। इस तरह के आपका सेम क्वेश्चन सारे दिए हुए थे, इस तरह क्वेश्चन देख के आप देख सकते हैं कि किस तरह क्वेश्चन का लेवल दिया हुआ है। थैंक यू।